संध्या को रे भक्त अरे दुख मती और दीजे काहू को उस सूकर का हम पद करेंगे। माली तो चला गया, सुबह होते ही भास्कर देव ने जब पूरब में आंखें खोली तो हरिश्चंद्र ने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री कैसे सुस्त हो? बिल्कुल सुस्त नहीं, बिल्कुल टाइट है। एक काम करना होगा, आदेश करो, 50 जवान तैयार करो, घोड़ा सजवाओ। चिंता मत करो, आप जैसा आदेश करोगे वही होगा। बगिया के लिए चलो। बिल्कुल, लेकिन एक बात का ध्यान रखना मंत्री, अगर वो सूकर किसी के पास से होकर निकल गया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। महाराज अपना ख्याल रखना, और हमारे सामने से जो भी सूकर निकलेगा उसका बंटा ढार कर देंगे, गर्दना ही काट देंगे। केवल अपना ख्याल रखना, सूकर की हिम्मत नहीं। 50 सैनिकों को लेकर के हरिश्चंद्र बगिया में पहुंच गए और बगिया को चारों तरफ से घेरवा लिया। और जो ही बगिया को घेरवाया, अब सूकर सोचने लगा कि अगर किसी सिपाही के पास से हम निकल के गए तो सिपाही बेचारा बेमतलब मारा जाएगा। तो एक काम ना करें, हम राजा के पास से ही ना होके निकले। राजा का जहां घोड़ा खड़ा था, एकदम बगिया में घर घर की आवाज हुई और वो माया रूपी सूकर निकल करके और भागा है। और जैसे ही भागा, हरिश्चंद्र ने तुरंत घोड़ा पीछे डाल दिया और सिपाहियों से कहा, सिपाहियों घेरो सूकर।